बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकफ़ात जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकफ़ात जिंदाबाद, पाकिस्तान। वतन पाकिस्तानी है। ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये हमने रैली निकाली है और हमारा मंशूर है मुल्क से वफा और इंसानी हकूक की जहाँ भी वायोलेशन है उस पर आवाज़ उठाना। तो हमें ये दुख हुआ जब पाक आर्मी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोले गए, जब मुल्क की जो हिफाजत करते हैं उनके लिए नाजेबा अल्फाज बोले गए, तो हमने मोहब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से रैली निकाल कर उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम और ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन के ये माएँ बहनें भाई साथ हैं और जब भी मुल्क को वक्त की ज़रूरत मुल्क को और पाक अफाज को ज़रूरत पड़ी तो हम जानों का कुर्बान देने से भी गरेज नहीं करेंगे। इसकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो दुनिया में अजीम है और दुनिया में अजीम देखने का ख्वाब देख रहे हैं। वो खुद तो सरहदों पे सूखी रोटियां खा के हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो आज सुख की चैन की नींद सो रही है उनमें पाक आर्मी का एक अहम रोल है। सैलाबी सूरत हाल हो या कुदरत की तरफ से आफत या इंसान के हाथ से पैदा की हुई आफत को मुंह देने के लिए अहम सतून है हमारी पाक आर्मी। हम ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हमारा एक एक कारकुन अपने एक एक सिपाही के एक एक अजम की हिफाजत करेगा। और हम आज की रैली निकालने का मकसद पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती, जो चंद कुछ अरसे से चंद शहर पसंद अनासर की तरफ से जो सियासत की आड़ में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम पाक अफवाज के साथ शाना पशाना खड़े हैं।